3, 2, 1. वीडियोस वगैरह चाहिए था हमें, रोल शूट है उसके, पिक्चर्स थे फोन में, था स्टेटमेंट बिल मांगे थे, दिखाओ क्या कुछ किया कि नहीं किया स्कूल में, वो सब भेज दिया। फिर बायलॉज बनाने में मुझे 3 हफ्ता लगा था पूरा एक करके, वो उसमें लॉयर की हेल्प किया हमने, एक सी एस की हेल्प लगी। उद्देश्य क्या है किस कार्यक्रम को लेकर आप सामने देखिए? इस संगठन का उद्देश्य यही है, जितने भी इस देश के युवा हैं, देश के या पूरी दुनिया के जो युवा हैं, उन्हें एक चीज़ से जुड़ना है हमें। और ये जो हम अवार्ड की प्रस्तुति कर रहे हैं, जितने भी 21 वर्ष के नीचे के युवा हैं जो अपनी इतनी कम उम्र में एक अच्छे स्तर पे कुछ अच्छा देश के लिए करना चाह रहे हैं, हम उनको ये अवार्ड से प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके अलावा भी मेरी जो संस्था है, तब हम सभी अलग अलग तरीके के डोनेशन ड्राइव्स वगैरह करते रहते हैं, डिबेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं लोगों के, और एक तरीके से हमारी उम्र के युवाओं का जो भी विचार वो लोग रखते हैं, एक तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि थोड़ा समय बदल चुका है, युवाओं भी इतने सक्षम है कि खुद की एक सोच रखते हैं, यही उद्देश्य है हमारी पूरी संस्था का, इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी एशियन गेम्स में 22 साल की हमारी एक महिला है, इंडिया एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है, उनका हमको भी खिला रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे शिखर सम्मेलन युवा शक्तिकरण की, वो अपने संगीत में हो चाहे कुछ भी, कला प्रस्तुति हो, कुछ भी तरीके का जो लोग कला प्रस्तुत कर सकते हैं, हमने उनके लिए मंच रखा है, बिल्कुल रखा है। इसमें अगर आपको नहीं लेना, अगर किसी को जानते हो आप, उनकी तरफ से भी उनका नामांकन भर सकते हैं। तो पूरा उद्देश्य यही है, युवाओं को एक अच्छे से अच्छा मंच हम दे पाए।